काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि Q&A वीडियो कहाँ गई, तो यार स्ट्राइक के कारण वो वीडियो रिमूव हो गई थी, बट उसको एडिट करने के बाद मैं ये वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, सो हियर यू गो। सबसे पहला सवाल है एरन येगर का, व्हाट इज योर फैमिली रिएक्शन आफ्टर 1K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। ओके, सो एडिटिंग करते वक्त मुझे याद आया कि यह वीडियो तो 2 महीने पुरानी है, और सही बताऊं तो मैंने कुछ ही दिन पहले अपने पेरेंट्स को बता दिया है कि यस आई हैव अ यूट्यूब चैनल, सो या इट्स टाइम टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। एक्चुअली सही बताऊं तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था उन्हें अपने चैनल के बारे में, मतलब उस वक्त मेरे कुछ 800 सब्सक्राइबर्स थे और मैंने गलती से अपना कुछ वीडियो उन्हें दिखा दिया था जिसमें मैंने किसी को कहा था, एंड गेस व्हाट, यही करता तो यूट्यूब पे दूसरों को गाली देता है। खैर यह बात काफी पुरानी है, और जब मैंने उन्हें अपनी नई वीडियो दिखाई तो वो लोग काफी खुश थे, बट हियर कम्स द फनी पार्ट, किसी ने उनसे पूछा था कि करता क्या है, तो कुछ नहीं, बस किसी लूफी और ड्रैगन के ऊपर वीडियो बनाता रहता है। डैट वॉज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, बट एनीवे मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा सवाल है लीवाई एकरमैन का, लगता है सारे AOT के लोग आने वाले हैं। एनीवे इनका सवाल है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज एंड व्हाट इज योर फैमिली सपोर्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर वीडियोस माय फ्रेंड। सबसे पहले तो थैंक यू, और यार मेरा नाम है मुकेश शुक्ला, मैं अगले महीने 18 साल का हो जाऊंगा। मेरी फैमिली मुझे फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं करता क्या हूं यूट्यूब में। अगला कमेंट है यागामी लाइट का, और ये कहते हैं, आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड ब्लैक बियर्ड एट ऑल। सबसे पहले तो यार तुम्हें क्या नहीं समझ में है ये तो बताओ, तभी तो मैं आंसर करूंगा। प्रियम सिंह पूछते हैं, व्हाट विल हैपन आफ्टर वानो आर्क। तो यार वानो आर्क के बाद काफ़ी मेजर चेंजेस होने वाले हैं सीरीज में। लूफी अपना एक और स्टेप आगे आ चुका होगा वन पीस तक पहुंचने के लिए। हमारे स्ट्रॉ हैट्स को बहुत ही बड़ा थ्रेट माना जाने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा। और यार तुम्हारा जो दूसरा सवाल है कि क्या सैंक्स इज अ विलन, तो यार नहीं, सैंक्स एक विलन नहीं है। सबसे पहले तुम्हें क्यों लगा सैंक्स एक विलन है। अगला सवाल है पायरेट किंग लूफी का, और ये पूछते हैं, इज मंकी डी ड्रैगन इज स्ट्रॉन्गर देन दी ऑल फोर एम्परर्स। दिस इज माय क्वेश्चन बिकॉज ही इज द मोस्ट वांटेड कैरेक्टर। सैसे तुम कैरेक्टर कहना चाह रहे थे, तो यार सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि ड्रैगन असल में करता क्या है। ड्रैगन रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है, और रिवोल्यूशनरी आर्मी वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एनिमी है। वो लोग डायरेक्टली अपोज करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को, इसीलिए उसका बाउंटी इतना ज़्यादा हाई है। लेकिन क्या वो इतना पावरफुल है कि वो 4 एम्परर्स से ज़्यादा ताकतवर हो? मेरे ख्याल से नहीं, पर वो एक योंको लेवल तो है। अगला सवाल है पोकेमॉन राइडर XY का, व्हाट इज़ योर फैमिली सपोर्ट। इसका आंसर मैंने दे दिया है, PCR लड़लब। क्या एक मिनट, क्या PC लड़लब क्या होता है? वन पीस स्टार्ट कब किया? तो मैंने वन पीस स्टार्ट किया था 2 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकात्सुकी नो गिन ने, और इनका सवाल ये है कि मैंने वन पीस देखना कैसे स्टार्ट किया था, और वो कौन सा एपिसोड है जिसको मैंने बार बार देखा है। तो यार उस वक्त वन पंच मैन चल रहा था, और वन पंच मैन देखने के लिए मैं सर्च करता था वन और फिर लिखता था पी, उसके नीचे आता था वन पीस। तो मैंने एक बार देख डाला वन पीस, और मुझे लगा कि अरे ये तो वही एनिमे है जो कि टीवी पे पहले आया करता था। जिसके बाद मैंने वन पीस देखना स्टार्ट कर दिया, एंड डैट हाउ इट्स गोज। और बात करें उस एपिसोड के बारे में जिसको मैंने बार बार देखा है, तो यार मुझे उसका एपिसोड नंबर तो याद नहीं है, पर उस एपिसोड में लूफी स्नेक मैन बनता है, उस एपिसोड का नाम था फिस्ट ऑफ डिवाइन स्पीड, उसी को मैंने बार बार देखा है। नुपुर सिंह, फ्रॉम विच ऐप यू आर वॉचिंग एनिमे। तो यार मैं यूज़ करता हूँ गोगो एनिमे, जो कि एक्चुअली एक साइट है, लेकिन फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ एनिमे काइजोकू, जहाँ पे तुम पूरा सीज़न एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हो। ये भी एक साइट ही है, वो भी गूगल ड्राइव से, काफ़ी फास्ट होता है वो। और आपने एक फैक्ट भी बताया कि वेन एनिमे इज़ इंग्लिश डब देन ऑल्सो अमेरिकन वॉचिंग सब। तो यार ये कोई फैक्ट तो नहीं हुआ, मतलब अगर सब पहले आता है तो लोग ज़्यादातर सभी प्रेफर करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटाकू हॉक का, GF नहीं है, इनकम नहीं मिल रहा, प्यूडीपाई एंड टी सीरीज, फेवरेट मूवी योर नेम, फ्यूचर प्लान्स, ये तो शायद मैंने बता ही दिया था, फैब डेविल फ्रूट, टोरी टोरी नोमी, यार कितना ऑसम है वो। डेयर टू प्रोमोट मी, वो क्या है ना, सब्सक्राइबर्स बढ़ी नहीं रहे। सब्सक्राइब टू ओटाकू हॉक, बंदा वन पीस और AOT पे वीडियो बनाता है, काफी अच्छी वीडियो बनाता है, जाके जरूर देखना और सब्सक्राइब कर देना यार। हिमांशु शर्मा पूछते हैं, भाई ये चैनल का नाम कहाँ से सोचा। तो यार वो सोचा वोचा कुछ नहीं था, मुझे तो लूफी कुन लिखना था, गलती से R प्रेस हो गया, और फिर मुझे काफी पसंद आया तो मैंने रख दिया यही। अपना लूफी पूछता है कि भाई ये बताओ कि मैं कब किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा।
जब लोग तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट्स मानने लगेंगे और जब तुम वन पीस खोज लोगे तब तुम कहलाओगे पायरेट किंग। शाही क्यूएस पूछते हैं, भाई रेवरी में आपके ख्याल से किसकी डेथ हुई है? तो यार मेरे ख्याल से किसी की भी डेथ नहीं हुई होगी, अगर होती भी है तो यार वो होना चाहिए एलाबास्टा का किंग, लेकिन साबो तो नहीं है, इतना मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, अपना मॉर्गन्स बहुत चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बता देता है। अगला सवाल है एनिमे एकेडमिया का, योर फर्स्ट एनिमे सीरीज नेम, ड्रैगन बॉल जी सबकी तरह ऑफ कोर्स, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो यार मैंने मेलोडी को अपने लैब में चेक किया और रिजल्ट्स तुम्हारे सामने हैं। इसमें होता है सेल्यूलोज गम, कैरेगिनन, पॉलीसॉर्बेट 80 और मोनोडाइग्लिसराइड्स, लेकिन यार तब भी ये इतना चॉकलेटी क्यों है ये अब तक एक मिस्ट्री है। अगला सवाल है कमलेश शर्मा का, व्हाट इज यू नेम? तो यार जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम है मुकेश लोखनवाला। यू एज? यस आई एज। वेयर यू लिव? तो यार मैं रहता हूँ झारखंड रांची में। फेस रिव्यू? नहीं यार, हमारा इतना अच्छा चेहरा नहीं है कि उसका रिव्यू किया जाए। अगला सवाल है क्रेजी गेमिंग का, वो पूछते हैं, ब्रो आर यू बॉय और गर्ल? आई नीड फेस नो वॉइस। ये कैसा सवाल है यार, मैं एक लड़का हूँ, ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये कैसी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है? हाँ मैं फेस नहीं दिखा सकता। ओके, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या। आर टॉक्सिक, डू यू थिंक लूफी विल डिस्ट्रॉय होल मरीन सिस्टम? यस। व्हाइट बियर्ड, ब्रो तुमने वन पीस देखना कैसे शुरू किया? इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ब्रो तुमने वन पीस की कोई मांगा वॉल्यूम खरीदी है? नहीं यार, अब तक तो मैंने नहीं खरीदी है। एक्चुअली न्योरला, सॉरी फॉर मर्डरिंग योर नेम। फेवरेट एनिमे वन पीस ऑफ कोर्स, नामी और रॉबिन, रॉबिन, जोरो और सांजी, जोरो, हीरोइक्स टाइटन, ब्रो योर वन पीस एपिक मूवमेंट। तो यार जब लूफी लूसी को फाइनली फिनिश करता है तो यार मेरे लिए वो काफ़ी एपिक मूवमेंट था। हाँ एनिमे वर्ल्ड, हाउ डज यू वॉच एनिमे रूफी भाई? अपने आंखों से ऑफ कोर्स। आई नो बहुत ही बेकार जोक था, पर सॉरी यार मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे ही दिया होगा ऊपर। कुनाल पेस्ट, व्हाट? फेवरेट वन पीस बैडस मूवमेंट, बैडस के बारे में बात करें तो यार जोरो सैक्रिफाइस से कुछ बैडस हो सकता है क्या? मनोज कुमार भाई, आपको ये आइडिया कैसे आया कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें? फाइनली ये सवाल किसी ने पूछा। तो यार उस वक्त मैं जब वन पीस देख रहा था तो यार मेरा भी मन करता था कि मैं दूसरे चैनल को फॉलो करूं जो कि वन पीस के बारे में समझाए, लेकिन यार मुझे कोई ऐसा चैनल मिला ही नहीं। असल में वीडियोस थी पर वो वीडियो कुछ ऐसी थी कि डेविल फ्रूट क्या होता है, हाकी क्या होता है, वन पीस पे रिव्यू, तो यार ये सारी वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी देख ही ली थी, लेकिन यार तब भी मुझे ऐसी वीडियोस नहीं चाहिए थी जो कि ये सब समझाए, मुझे ऐसा चाहिए थे जो कि यार मिस्ट्री समझाए, जो कि पूरा वन पीस पे ही बेस्ड हो, पर ऐसा कोई चैनल था नहीं। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से अगर मैं खोज रहा हूँ तो हो सकता है कोई और भी खोज रहा हो, तो मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया। और मैंने सही बताऊँ तो मैंने क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हाँ चैनल चलने वाला है या नहीं, क्योंकि वन पीस मेरे ख्याल से कोई नहीं देखता था इंडिया में, तो मैंने नहीं ध्यान दिया उतना। लेकिन फिर जिस तरीके से ग्रो होने लगा मेरा दिमाग फट के हाथ में आ गया, इसके बाद मैंने क्वालिटी पे ध्यान दिया और मुझे लगा कि हाँ है यार वन पीस देखने के लिए बहुत लोग इंडिया में। आदित्य सिंह, क्या बिग मॉम जोरो कैप्टन किड कॉन्करर हॉकी यूज़ कर सकते हैं? जोरो का तो अब तक नहीं पता, पर मेरे ख्याल से वो फ्यूचर में यूज़ करेगा। और बात करें बिग मॉम और किड के बारे में तो हाँ वो लोग यूज़ कर सकते हैं कॉन्करर हॉकी। मगशॉट पबजी मोबाइल, हाउ आर यू? फाइन। KSM, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस अकॉर्डिंग टू यू? थैंक्स। गेमिंग प्रिंस GLG, लूफी की शादी किससे होती है और जोरो का मम्मी पापा कौन? सबसे पहले तो यार लूफी की शादी किसी से भी नहीं हुई है और ना ही कभी होगी, और जोरो का मम्मी पापा के बारे में बात करें किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। नेन ओटाकू, GF का नंबर कहाँ है? अबे नहीं है यार गर्लफ्रेंड, एक मिनट, अगर गर्लफ्रेंड होती भी तो मैं नंबर क्यों बताता? लोनर, क्या आपके टूथपेस्ट में हवस है? व्हाट? मेरे टूथपेस्ट में हवस, स्पर्म, फॉर्नअप का अकाउंट सब है, लेकिन मैं उसे कभी ब्रश नहीं करता। IT वर्ल्ड, व्हाट इज योर फेवरेट यूट्यूबर? तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर क्या है? तो यार मेरा फेवरेट यूट्यूबर एक इंसान है। व्हाट इज योर रियल नेम? तो यार जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम है मुकेश पबजी वाला है। व्हाट इज योर फेवरेट एनिमे? वन पीस। हु इज योर वाइफू? मिजुहारा। मिस्टर सेल, वन पीस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? इट टुक मी 2 मंथ्स। तो यार वन पीस कंप्लीट करने में मुझे लगभग 3 महीने लगे थे, लेकिन 1 महीना में वन पीस देखना बंद कर दिया था, तो तुम कह सकते हो कि मुझे भी 2 महीने ही लगे थे।
अंकिता कुमारी पूछती हैं, डिड यू नोटिस सांजी हैज मोर कैरेक्टर डेप्थ देन ज़ोरो बट व्हाई? तो हाँ, मैंने भी ये गौर किया था कि सांजी के बारे में जब भी बात की जाती है तो फिर उसका स्टोरी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कंपेयर टू ज़ोरो, पर क्यों? इसका आंसर यही है कि सांजी का जो ड्रीम है वो है ऑल ब्लू को खोजना, जिसके लिए उसे कोई ताकतवर बनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें यह पता नहीं चलता कि वो इतना ताकतवर क्यों है। लेकिन बात करें ज़ोरो के बारे में तो उसका स्टोरी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन वो इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि उसका ड्रीम है स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, जिसके लिए उसको बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए वो इतना ताकतवर है। लूफी की लवर कौन है और फ्यूचर में स्ट्रॉ हैट्स में और कौन कौन होगा? तो यार, सबसे पहले तो लूफी के लवर का नाम है बोआ हैनकॉक, और फ्यूचर में स्ट्रॉ हैट्स में यार मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं होगा। आंसर बड़ा सिंपल है कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा दिक्कत होने वाला है इचिरो ओडा को स्टोरी को संभालने में, स्टोरी को बिल्ड करने में, और यार सबको कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देना पड़ता है, तो यार बहुत ही मुश्किल हो जाएगा स्टोरी को संभालने में। लेकिन अगर कोई आता है तो यार मेरे ख्याल से वो होना चाहिए यामाटो या फिर कैरोट। महिका कुमारी, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? यार छोड़ दो ना यार मेलोडी को अकेला, क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो भी बेचारा सोच रहा होगा क्यों हूँ मैं इतना चॉकलेटी। अगला सवाल है, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ, बात ख़त्म। इसका आंसर नहीं किया तो जगदीश भगत को कह दूंगा आपके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अरे यार, मेरा दिल अब मेरे मुंह से बाहर आने वाला है यार, नहीं है यार कोई गर्लफ्रेंड, क्यों मुझे रुला रहे हो? मेड सन्नू, ब्रो तू गे है? नहीं। डिड गोल्डी रॉजर ईट अ डेविल फ्रूट? ना, मुझे नहीं लगता। एनिमे एक्स जोन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्गो फॉर 1K। अरे थैंक यू यार। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेन यू स्टार्टेड वॉचिंग एनिमे स्पेशली वन पीस? तो वन पीस मैं 2 साल पहले देखना शुरू किया था, एनिमे बहुत पहले मैं देखना शुरू कर दिया था, मुझे याद नहीं है बहुत क्या, पता नहीं कब किया था। व्हाट इज़ योर डिवाइस और पीसी? पीसी मेरे पास था पर मैंने वो बेच दिया है, कोई 2 GB रैम का कोई घटिया सा पीसी था। और बात करें, मेरे पास अभी डिवाइस है रियलमी X2 और एक लैपटॉप है लेनोवो का कोई आइडिया करके। और तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, आई डोंट आस्क फॉर फेस नेम और क्लास। अरे भाई सीखो इससे। बट वन थिंग, बोआ हैनकॉक, रॉबिन और नामी? आई विल गो फॉर बोआ हैनकॉक। रैपिड फायर, लूफी, एस, साबो सांजी और ज़ोरो। साबो सांजी क्या होता है? ज़ोरो ऑफ कोर्स। काइडो और ब्लैक बियर्ड? काइडो। जावेद जिहान, योर टॉप 5 एनिमे? यार ये लिस्ट अपडेट होते रहती है तो इसका आंसर कभी और। योर फेवरेट कैरेक्टर इन एनिमे? लीवाई, फर्स्ट वाइफू। यार हम बहुत शुद्ध किस्म के प्राणी हैं। योर नेम असली वाला? तो यार मेरा नाम है मुकेश। वन पीस देखना क्यों स्टार्ट किया और वन पीस पे वीडियो बनाना भी क्यों स्टार्ट किया? यार इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तो दोबारा नहीं। फर्स्ट एनिमे ड्रैगन बॉल जी, सोनेन, रोमांस, एक्शन और थ्रिलर? ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एनिमे देख रहे हो, लेकिन मैं ज़्यादातर सोनेन एनिमे ही देखता हूँ। GF है? ओके, मुझे पता है, नहीं है। भाई बहुत कन्फ्यूजिंग है, हाउ विल ओडा टैकल दिस? थैंक्स रहा लूफी का दोस्त। तो यार सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पहले ही देखने को मिल गई थी जब एनिमे या फिर मांगा की जब स्टार्टिंग होती है, तभी हमें पता चल गया था कि आगे जाके लूफी को लड़ना पड़ेगा सैंक से। लेकिन ये चीज़ तुम सोचो, अगर ये पहले ही दिखा दिया था तो इसका मतलब एंडिंग भी इचिरो ओडा ने ऑलरेडी सोच रखा है, और अगर वो शुरुआत से ही इस चीज़ के बारे में सोच रखे तो यार इसका मतलब बहुत ही बड़ा कुछ प्लान कर रखा होगा इचिरो ओडा ने सैंक्स और लूफी की फ़ाइट को लेकर। अब यार देखते हैं आगे क्या होता है। बाय द वे, हम याद है ट्यूशन में मिले थे? हाँ, मुझे तुम अच्छे से याद हो, तुम्हें उस दिन जुकाम था। शाउट आउट टू अक्षत कुन, अ विक्टिम ऑफ नामी एंड रॉबिन। अगला सवाल है अलीफ मोहम्मद का, आप फेस रिवील कब करोगे? जब हमारा चेहरा और थोड़ा रूम का लाइट ठीक हो जाएगा तब करेंगे फेस रिवील। एनिमे देखना कब चालू किया? एनिमे देखना मैंने बहुत पहले ही चालू कर दिया था, शायद इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बांग्लादेशी एनिमे सोसाइटी के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो अपना ओपिनियन दो। नहीं यार, मैं नहीं जानता हूँ बांग्लादेशी एनिमे सोसाइटी के बारे में। तुम्हारे इस कमेंट के बाद मैं थोड़ा रिसर्च किया था इसके बारे में, पर सब चीज़ बांग्ला में था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अपना सेटअप टूर कब लाओगे? जब हमारा सेटअप में RGB की कोई कमी नहीं होगी, पूरा RGB ही RGB रूम होगा, एकदम कैसा बोले अब, एकदम लाइटिंग होगा, रेड ब्लू सब चीज़ होगा। और तुम्हारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपकी GF है? एसपी सेनपाई, इज़ उसॉप एंड सोजे किंग आर सेम?
नहीं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। उसॉप हमारा पहले सिरोप विलेज में रहता था और सोजे किंग हमारा रहता था स्नाइपर आइलैंड में, और स्नाइपर आइलैंड हमारे दिलों में बसता है। बाय द वे एसपी सेनपाई, लव योर कंटेंट। अब अगला सवाल है एनिमे बांग्लादेश का, व्हाई व्हाइट बियर्ड रिवेंज द डेथ ऑफ ओडिन अगेंस्ट काइडो। जहाँ तक मुझे याद है व्हाइट बियर्ड ने तो कोई रिवेंज नहीं लिया था। शायद तुम कहना चाह रहे हो कि व्हाइट बियर्ड ने रिवेंज क्यों नहीं लिया था। आंसर बड़ा सिंपल है, व्हाइट बियर्ड था अपना समझदार योंको। उसको पता है कि अगर दो योंको आपस में भिड़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और अगर ऐसा कुछ वो लोग करते हैं तो फिर पूरा वानो तबाह हो सकता है और बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे और पूरा वार वाला सिचुएशन बन जाएगा, बहुत दिनों तक लड़ाई चल सकती है। इसीलिए व्हाइट बियर्ड ने ये काम नहीं किया, उसने ओडिन का रिवेंज नहीं लिया, वरना बहुत से लोग मारे जाते। अब ये वाला सवाल मेरे डिस्कॉर्ड पे आया था हमारे लॉर्ड ऑफ हरामी के तरफ से। उनका पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। दूसरा वाला, आरवीएस से कैसे मिले थे। तो फिर यार उस वक्त मेरे कुछ 50 सब्सक्राइबर्स थे और आरवीएस मेरे पहले वीडियो पे कमेंट किया था, और वो वीडियो थी टॉप 5 बेस्ट डेविल फ्रूट्स के बारे में, जिसमें मैंने ओपे ओपे नोमी को इंक्लूड नहीं किया था, जिसके बाद आरवीएस को वो चीज़ सुधारना था और वो सुधारते हुए कमेंट किया, जिसके बाद हम लोग दोनों बातचीत करने लगे इंस्टाग्राम पे एंड हम लोग दोस्त बन गए। और तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, इतने सारे एनिमे में तुम्हें वन पीस यूनिक क्यों लगा। तो फिर यार आंसर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो वन पीस के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इसमें बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे एनिमे में नहीं है, असल में है, जैसे ड्रैगन बॉल सी और नारुतो। पर बात ऐसा है कि इन सारे एनिमे में ऑलरेडी लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं और चैनल भी बहुत सारे हैं, तो फिर यार इस पे कॉम्पिटिशन लेवल ज़्यादा है। लेकिन वन पीस पे लिटरली कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने वन पीस से बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात यह है कि वन पीस अभी बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन अगर तुम स्टोरी वाइज यूनिकनेस की बात कर रहे थे, तो फिर यार वन पीस भी बाकी सारे एनिमे की तरह ही है। लेकिन वन पीस की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग, जो कि इसको बाकी सारे एनिमे से बहुत डिफरेंट बनाता है। वन पीस का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनिमे इससे कॉम्पीट कर सकता है। नारुतो उजुमा की पूछते हैं, जीएफ है, सेक्स किया है। अब मुझसे और नहीं होगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ एक और बात, मेरा असली नाम मुकेश नहीं है, मेरा नाम है आलोक। प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई डीजे आलोक मत लिखना। तो यार अब मैं जाता हूँ, मुझे भी लड़की पटानी है। बाय।